राम राम बाबा जी। ठीक है, तो यहीं पे है मेन संगम, आप देख रहे हो उधर से गंगा जी आ रही हैं और इधर से यमुना जी, और बीच में से सरस्वती नदी निकलती है। तो सच में नहीं है, बहुत कम पानी है। एक और डुबकिया, पांच डुबकिया मारेंगे गाइस। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सो अभी सुबह का बज रहा है भाई 6, और आपका भाई अभी प्रयागराज में है। तो आप लोग सोच रहे हो भाई प्रयागराज में मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल तो मैं दिल्ली था। तो हाँ जी, पिछला व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं दिल्ली था, एंड अभी भाई वहाँ पे सारा कुछ सेटल वेटल करके भाई रूम ले लिया आपका भाई, और अभी आ चुके हैं हम प्रयागराज। तो भाई इस जगह पर आने के लिए मैं भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, खास करके अपने मौसी के घर। कि भाई यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मन लगता है घूमने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जगह है घूमने के लिए इलाहाबाद में खास करके। तो आपका भाई आज जाने वाला है घूमने सुबह सुबह और गंगा नहाने, तो आप सबको भी लेके चलते हैं वहीं। आप वीडियो को करते हैं स्टार्ट, तो सबसे पहले बड़ों को नमस्ते, साथियों को हेलो, एंड छोटों को हर हर महादेव। सो कैसे हैं मेरे भाई लोग? सो चलिए मिलते हैं आप सबको स्कूटी पे। सो लेट्स गो। अभी भाई हम लोग बैठ चुके हैं अपने स्कूटी पे, भाई निकल चुके हैं घर से, और ये हैं आज के हमारे टूर गाइडर बाबू भैया। आप सब ने इनसे नहीं मिला होगा पहले। तो अभी हम जाने वाले हैं, इसी रास्ता में पड़ता है सोमेश्वर नाथ टेम्पल, तो आपको लेके चलते हैं, वो आगे है, बस पहुंच ही चुके हैं। तो गाइस ये है सोमेश्वर नाथ टेम्पल, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है। आप देख लो, भोलेनाथ का मंदिर है ये, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और ये जो ऊपर में त्रिशूल है, ऊपर मंदिर के ऊपर में, सुनने में आता है, लोग ऐसे कहते हैं कि ये मंदिर साल में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है, मतलब पूरा घूम जाता है एक बार साल में, तो ऐसे लोग बोलते हैं। तो फिलहाल अभी हम जाते हैं संगम नहाने गंगा जी। सो चलिए फिर आके यहाँ पे दर्शन कराएंगे आप सबको। तो भाई लोग देख रहे हो कितना प्यारा नज़ारा है भाई साहब, चारों तरफ रोड के दोनों साइड एकदम हरियाली हरियाली, बहुत सुंदर ये जगह मुझे लगता है पर्सनली, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आकर के। और बगल में एकदम साइड से, इस साइड आप देख रहे हो, इधर से गंगा जी निकलती है, मतलब बहती है इधर की ओर जाती हैं, और आगे में संगम है। तो चलिए दिखाते हैं आपको वहाँ। भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं सेल्फी पॉइंट। और इस जगह को सेल्फी पॉइंट क्यों बोला गया है बाबू भैया? अब ये तो भाई यही बता सकते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं। तो 2019 में जब ये इसका पूरा बन के तैयार हो चुका था, बिल्कुल मोदी जी यहीं पे आए थे, इसका उद्घाटन किए। अच्छा अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर उनका पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है कि कब ये बना था, कब। अच्छा, वहाँ पर शिलापीठ पर लिखा हुआ है? तो ये इधर तो पूरा टट्टी कर दिया है, गोबर वोबर है सब। तो गाय हमारी माता है, उनको हर जगह घूमना है, और जहाँ घूमना है वहीं करना है। हाँ, ये भी बात सही है। तो गाइस ये देखो सेल्फी पॉइंट से कितना प्यारा व्यू आता है भाई, एक नंबर। इस जगह पे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये जगह सेल्फी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा शांति और अच्छा फील होता है, क्योंकि सामने में है संगम। आप यहाँ पर जो देख रहे हो सामने में ही संगम है, इधर से यमुना जी आते हैं, आप देख लो गाइस, इधर से यमुना जी आते हैं,
और सामने से जो है ना वो ब्रिज आपको दिख रहा होगा, उधर से गंगा जी आते हैं और अंदर धरती के अंदर अंदर सरस्वती माता जो भी नदी है वो मिलते हैं यहाँ पे आकर के। तो वहीं पे है मेन संगम। अभी तो पानी बहुत ज़्यादा कम है, गंगा जी में पानी एकदम है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कम है। जो भी पानी आ रहा है वो यमुना जी का पानी है। तो देख लो यार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यह जगह। तो चलिए फिर चलते हैं आगे और नहाते हैं भाई संगम का। भाई मैं भी आनंद उठाता हूँ, वैसे तो मैं यहाँ पे बहुत बार नहा चुका हूँ, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे नहा करके, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए ऑन कैमरा दिखाते हैं भाई कितना मज़ा आता है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेन घाट पे, संगम जहां पे बोलते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कहां पे मेन संगम है। तो यहीं पे है मेन संगम, आप देख रहे हो उधर से गंगा जी आ रही हैं और इधर से यमुना जी और बीच में से सरस्वती नदी निकलती है। राम राम बाबा जी, ठीक है। भाई लोग फुल रेडी, भाई नहाने के लिए बचा हुआ है तो भाई डायरेक्ट अब कूदते हैं और मजा उठाते हैं गंगा जी का। पानी यार गरम है, गहरा है का अंदर। एकदम पूरा गोवा वाला फील आ रहा है यहाँ पे, एकदम फुल टू फुल गोवा वाला फीलिंग आ रहा है। बढ़िया। तो ये भाई यहाँ एकदम जमीन एकदम यहीं पे है भाई, पानी एकदम बिल्कुल नहीं है, आप देख लो यहाँ पे एकदम पानी का लेवल एकदम कुछ नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा कम पानी है। समझ में नहीं आ रहा किधर नहा, इधर नहाते हैं लगता है, ज़्यादा उधर जाना भी सेफ नहीं है भाई लोग। ये जो बैरियर आपको दिख रहा है ना, इस बैरियर के अंदर में ही नहाना है, सेफ्टी के साथ नहाना भाई। ऐसा हमें तो भाई तैरना भी नहीं आता है, हम तो जितना चाहेंगे भाई सेफ, आप लोग भी आओ तो सेफ्टी के साथ नहाओ, इधर उधर मत नहाना। जो आपका बैरिकेड जो दिख रहा है इसके अंदर में ही नहाना है। और एक बार गंगा मैया की जय। इधर पानी है चाचा जी, इधर पानी कितना लग रहा है भाई, पानी तो सच में नहीं है, बहुत कम पानी है। एक और डुबकियाँ, पांच डुबकियाँ मारेंगे गाइस, आप लोग वीडियो बने रहिए। मजा आ गया भाई। एक और आप लोग वीडियो में बने रहिए भोकाल के साथ और हम लोग नहाते हैं भोकाल के साथ। यही है मेन संगम गाइस, एकदम हम लोग संगम में ही नहा रहे हैं, एकदम हम लोग जो अभी नहा रहे हैं एकदम संगम में ही नहा रहे हैं। आप देख लो सामने से गंगा मैया आती हैं और इधर से आते हैं यमुना जी और बीच से अंदर से जमीन के अंदर से आते हैं सरस्वती माता। जो सरस्वती नदी है वो नीचे नीचे आती है। तो भाई फिलहाल हम लोग आनंद उठाते हैं इस पूरा मस्त संगम का और जितना पाप हो चुका होगा माफ़ कर दीजिएगा,
गंगा मैया जो है हो जाओ ना बाबा जी, कोई गलती से भूल चुक हुआ होगा उसके लिए क्षमा भी मांग लेते हैं भाई। ऐसे तो हम गलत आदमी है नहीं, अपने सेफ्टी के लिए मांग ले रहे हैं गाइस। तो चलिए कैमरा को रख दीजिए भैया यहाँ पे। विष्णु राज्य प्रवर्तमान अपराध द्वै जीवनो ब्रह्मणो प्रति अपराध भाई लोग। अभी हम जा रहे हैं एक और जगह गंगा जी नहा करके, संगम नहा करके यहाँ से, और अभी हम जा रहे हैं त्रिवेणी पुष्प, एक जगह है यहीं पे, शायद वो छोटा सा पार्क वार्क है और ये मंदिर वंदिर शायद है, मुझे तो एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहा हूँ और हमारे बाबू भी अभी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। तो चलते हैं फिर वहाँ, देखते हैं क्या है भाई। भाई यही है त्रिवेणी पुष्प, बंद है क्या भैया? नहीं लग तो रहा है, साइड से खुला हुआ, स्कूटियों पे लगेगा। तो भाई खुला है फाइनली, अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या है। सो आप लोग भी चलिए और देखिए। तो भाव भी आप यहाँ पे कितने बार आ चुके हैं इस जगह पे? पहली बार आ रहे हैं। आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? ये क्या है सामने जो है वो इसे टावर के जैसा? बहुत बढ़िया बना है, मटके का आकार है, ये फूट गया ऊपर, मटके का आकार का है। और इसका कोई पंडित वंडित यहाँ पे नहीं है भाई? इसका थोड़ा सा हम लोग कहानी वानी पता करते क्या है ये एक्चुअली में, हिस्ट्री क्या है भाई। तो भैया आप यहाँ पे लोकल हो क्या? थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं आप अगर आपको पता है तो? ये है क्या? ये मंदिर है, त्रिवेणी पुष्प मंदिर बोला जाता है। अच्छा, कौन से भगवान का मंदिर है ये? गंगा जमुना सरस्वती का। अच्छा, मूर्ति विसर्जन नहीं हुआ है, मतलब बल्कि नाम भी चल रहा है केवल। तो यहाँ पे अभी तीनों माताएं का मतलब जो ये होता है ना संगम का मतलब, तीनों का यहाँ पे ये है मूर्ति है यहाँ पे? मूर्ति मतलब बैठा नहीं है। अच्छा अच्छा, नाम चलता है। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे नाम चलता है ये? हाँ, सिर्फ नहीं पूछ। अच्छा, केदारनाथ बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, सब पूरा मंदिर बना हुआ है। अंदर में है क्या उधर? हाँ। अच्छा, तो भाई इसका कहानी आपको पता चल गया?
अच्छा तो चलिए आपको थोड़ा सा शिलापीठ दिखा देते हैं। आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके और पढ़ लीजिएगा। तो भाई सही में भाई यहाँ पे मंदिर तो लग रहा है देखने में केदारनाथ और बद्रीनाथ के जैसा मंदिर। आपको दिखाते हैं ये मंदिर, आप देखो केदारनाथ का जो मंदिर है इसी टाइप से, मतलब उसका यहाँ पे बनाया गया है डिज़ाइन थोड़ा बहुत। ये देख रहे हो, और ये भी मंदिर ही है, मतलब ये देखो लग रहा है ना केदारनाथ के मंदिर के जैसा। भाई लोग काफ़ी मज़ा आया पूजा करके, भोलेनाथ का दर्शन करके और गंगा जी मतलब संगम नहा करके काफ़ी मज़ा आया। तो आज को वीडियो को रखते हैं यहीं तक, तब तक के लिए हर हर महादेव और जय श्री राम।